फ्रेंड्स, मैं हूं बदरालम और आप देख रहे हैं बिजनेस साथ साथ। फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद, तो जरा जायजा लेंगे वहां पर इफ्तारी में हम लोगों के लिए क्या क्या है और किस किस तरीके की तैयारियां वहां पर हो रही हैं। तो चलिए चलते हैं। भाई, ये आ गई है ऑथराइज्ड कार पार्किंग, यहीं पे हम कार पार्क करेंगे। गेट वाले दही बड़ा। तो फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं, मैं आज आ पहुंचा हूं यहां पुरानी दिल्ली में, यानी कि जामा मस्जिद। और सबसे पहले जायजा लेंगे खजूरों का, क्योंकि जब इफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले खजूर नजर आने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम खजूरों का जायजा लेते हैं कि यहां पे क्या क्या वेराइटीज हैं खजूरों की। ये एक बहुत बड़ी दुकान है, इसका नाम है प्लाजा, और जरा देखते हैं कि यहां पे वेराइटीज क्या क्या हैं खजूरों की। चलिए देखते हैं। हमारे साथ हैं इस शॉप के ओनर सलीम भाई, जो हमको बताने वाले हैं कि क्या क्या वैरायटीज हैं सलीम भाई यहाँ पर आप हम लोगों के लिए। देखिए, ये सारी खजूर है ना, ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से आती हैं। हाँ हाँ, इराक की होती है, ईरान की होती है। जी 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 जी, सऊदी से आती है। जैसे हम ये 180 रुपये किलो बेचते हैं। अच्छा, ये बात, ये 100 रुपये किलो है। जी ठीक है। फिर ये 180 रुपये किलो है। जी 180 रुपये किलो है, ये 100 रुपये किलो। क्या नाम हुआ ये गुलाब जामुन? कह लिया मज़ाफ़ाती खजूर है ये, ईरान की। अच्छा, मज़ाफ़ाती गुलाब जामुन जो है। हाँ, जैसे गुलाब जामुन सॉफ्ट होती है, वैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। जी जी जी, के अंदर से आप खोलेंगे तो बिल्कुल ही गूदा गूदा निकलेगा। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। ठीक है सर। फिर ये ट्यूनिशिया की बताइए मैंने। जी जी जी, ये ब्रांच में लगी हुई भी आती है, बगैर ब्रांच के भी आती है। अच्छा। तो ये 250 रुपये किलो है। ओके। और जो ब्रांच में लगी हुई है वो 350 रुपये किलो से शुरू होती है। जी जी जी, ठीक है। फिर ये खुदरी खजूर है। जी जी, इसके गूदा ज़्यादा होता है, गुटली छोटी है। अच्छा जी जी। ये सऊदी की है, ये भी 250 की रेंज में ही है। अच्छा, ये भी 250 की रेंज। जी फिर ये अल्जीरिया की है जी, जुमरा खजूर है, ये ऐसी बिकती है 220-240 रुपए किलो बिकती है। अच्छा। और ये भी 240-250 ऐसी सेल होती ये है। ट्यूनिशिया वाली जो ये ट्यूनिशिया की है। जी जी जी। और ये सऊदी की है। हाँ। ये गोल होती है, लीची की तरह का है बिल्कुल। जी 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 जी। तो ये 260 रुपए, 280 रुपए ऐसे। यानी कि 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की रेंज में जो है काफ़ी वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है। जी जी। उसमें फिर ये आपको मैंने कलमी दिखाई थी है। जी जी जी। कलमी हमारे पास 350 से शुरू है और 600 रुपये तक की रेंज में है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें साइज का और फ्रेशनेस का डिफरेंस होता है, तो उसी हिसाब से रेट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। फिर देखिए, एक ये होती है चॉकलेटी खजूर है, मबरूम कहलाती है। अच्छा, क्या वो कहलाती है? मबरूम खजूर होती है। अच्छा सर, मबरूम के क्या मायने हैं? नहीं, खजूर का नाम है। अच्छा, नाम जैसे कलमी नाम है, ऐसे मबरूम नाम है, मशरूक नाम है। जी जी जी। और फिर ये ऐसी होती है 350 रुपये की रेंज में। अच्छा, एक चीज़ बताएं जी भाई, जैसे जी, ये डब्बे में पैक है, ठीक है जी, ये डब्बे में पैक है, तो इनकी कीमत ज़्यादा है क्या? जी जी। उसकी वजह ये पैक भी है, डिस्प्ले है इसका। अच्छा अच्छा। सिर्फ ये है कि कॉस्टली है ज़रा सी, इसलिए वहाँ डिस्प्ले करके आपको ज़रा और चाहिए तो ये अंबर जैसे सऊदी की है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कौन सी अंबर है ये? अंबर, हाँ, ये मदीने की है। अच्छा अच्छा। एक आपको मैंने अल्जीरिया की दिखाई थी। जी 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 जी। ये 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो इस रेंज में होती है। अच्छा अच्छा। फिर ये मबरूम है। जी जी। ये 450 रुपए किलो है। अच्छा, इसी की मैंने आपको 350 बताई है। जी जी जी। तो ये ज़रा सी वैरायटी अच्छी है और ज़रा सी साइज भी बड़ा होता है और क्वालिटी का फ़र्क है। ये जैसे अजवा है। जी जी जी। ये जैसे अजवा बड़ा साइज़ का है ये। जी जी जी। इसमें छोटा भी आता है,
तो ये 1200 रुपए किलो ऐसी यहाँ से स्टार्टिंग है। वैसे छोटा साइज 1000 रुपए किलो भी आता है। अच्छा, फिर ये मैंने आपको बताई थी ब्रांच टैनी भी लगी हुई आती है, ये भी टूनिशिया की है अभी। तो ये यहाँ से हमारे पास 3.5 से शुरू है और 450 रुपये तक की है जी। फिर ये ईरान की जैसे आपको बताई थी, ये 240 रुपये किलो है। ये जो सॉफ्ट है मजाफाती खजूर है, ये भी गुलाब जामुन जैसे सॉफ्ट होती है, उसके 180 बताई थी मैंने आपको, ये 240 रुपये है। तो इसका साइज़ में क्वालिटी में ज़रा फ़र्क होता है, तो इसलिए आपको जो पसंद हो वो लीजिए जी। जैसे ये कि ये सूखरी है, ये हरम शरीफ में और वहाँ पे जब रोज़ अफ्तार होता है वो इस खजूर से करते हैं। अच्छा अच्छा, और सब हाजी लोग को सबको बांटते हैं कभी से जी, मदीने में हरम शरीफ में और मक्के मदीने दोनों जगह बहुत पसंद करते हैं लोग, और इसी से ज़्यादातर लोग अफ्तार करते हैं। अच्छा, ये जो है भाई मदीने के अंदर जो है सूखरी खजूर, सूखरी खजूर है और इसी से ज़्यादातर इफ्तार किया जाता है। ये सलीम भाई ने हमको जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है आज, और ये बाकी में देखने में भी बहुत खूबसूरत है और मेरे ख्याल से खाने में तो होगी जिसका जायका। ओ हो हो, क्या बात है, क्या बात है सर। अरे हाय 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 हाय, सही बात, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप जैसे अगर फ्रिज में भी रख दें तो ठंडी हो गया ज़रा सी और इसका जायका बढ़ जाता है, तो फ्रिज में रख के भी आप खाएँ तो अच्छी लगेगी आप। इसका पूरा एड्रेस क्या है सलीम भाई, थोड़ा सा बता दीजिए जी। प्लाजा ट्रेडर्स 4164 उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली 6, और गेट नंबर 1 के सामने ही है। गेट नंबर ज़रा आगे पड़ता है मगर उसी रोड पे जी, उसी मेन रोड पे ही है जी जी। तो आप जो है यहाँ से भाई खजूर ले सकते हैं। अच्छा भाई, ये जवाहर होटल है जो हमने कवर किया था, तो आप जो है हमारे चैनल व्यूज़ 7/7 पे जा कर के चेक कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और उसी के जस्ट अपोजिट है ये मोहब्बत का शरबत। भाई जरा बताएं इस शरबत के बारे में, ये कैसे फेमस है और सर ऐसा है, आपको बनाते हुए दिखाता हूँ मैं अभी। ये अमूल गोल्ड दूध आ गया आपका। अच्छा, ये आ गया आपका हमदर्द का रूअफ़ज़ा। अच्छा, ये भाई रूअफ़ज़ा डाल रहे हैं अभी और क्रीम पहले डाल चुके थे। दूध है सर, वो गोल्ड दूध है, दूध वो। अच्छा, वो दूध है, वो क्रीम नहीं थी बल्कि वो दूध था, अमूल गोल्ड का दूध है वो। ये शुगर सिरप आ गया, क्या कहते हैं ये शुगर सिरप है सर। ये अच्छा शुगर सिरप जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जी 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 जी, ये आ गया सर। इसके बाद आपका आएगा वाटरमेलन। चलिए सर, हाँ ये आ गया सर वाटरमेलन। अच्छा, इसे हम मोहब्बत कहते हैं, ये मोहब्बत जाने वाली है हमारी इसके अंदर। अच्छा भाई, ये वाटरमेलन जो है इनकी मोहब्बत है और मोहब्बत जो है इसके शरबत के अंदर जा रही है। और ये सर रेडी हो चुका हमारा मोहब्बत का शरबत। मोहब्बत का शरबत मोहब्बत से बनाते हैं और मोहब्बत से पिलाते हैं, और सब भाई मोहब्बत वाले ही हमारे पास आते हैं मोहब्बत की तलाश में। ठीक है सर, तो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं एलविस जो कि लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ के मोहब्बत का शरबत का, और उनका ताल्लुक है केरला से। तो वो मुझको बताएंगे ये मोहब्बत का शरबत कैसा लगा, कैसा लगा आपको? It's amazing guys, like so I heard a lot about this place but I'm here for the first time today and the way it's making it has a lot of mohabbat involved in it and you have to try this at least once. So amazing. You are going to come again and again over here? For sure with my friends, but yeah, I mean this time I'm unfortunately alone but I'll definitely come back with my friends for sure. Thank you so much Elvis. My name is Ankita and I love this. I think it's refreshing in the summer that we see here in Delhi. It's very refreshing. So friends, अभी जो है मोहब्बत का शरबत कवर किया है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हम लोगों के लिए खास। तो चलिए चलते हैं भाई। ये है शाही पुल पॉइंट और यहाँ पर जो है शाही टुकड़ा बहुत ही अच्छा मिलता है, यहाँ का शाही टुकड़ा काफ़ी फेमस है। तो ज़रा थोड़ा सा जानेंगे यहाँ के शाही टुकड़े के बारे में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ के, यहाँ पर कस्टमर्स के लिए। ये हमारे पास हम शाही टुकड़ा है, हमारी फेमस शॉप है। ये शाही टुकड़ा 12 महीने चलता है, रमज़ान में कुछ ज़्यादा इसका क्रेज़ हो जाता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं इसमें साहिल भाई? इसमें खोया है, क्रीम है, दूध है, दो बोतल पकड़ो।
बाकी देसी घी में फ्राई होता है, ब्रेड है। क्या रेट है इसका? 400 रुपए किलो। 400 रुपए क्या ये बादाम मिल्क है? जी हाँ। इसमें क्या क्या है? इसमें इसमें बादाम है, दूध है और ये केसर, थोड़ा केसर डालते हैं। ये रबड़ी है, प्योर दूध की रबड़ी। ये जो है ये आपकी रबड़ी है? हाँ जी हाँ, रबड़ी है ये, प्योर दूध की रबड़ी। प्योर दूध की रबड़ी। रबड़ी क्या हिसाब है सर? 500 रुपए किलो है। जी जी, ये अभी भी तैयार हुई। ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग? ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, इसमें आइसक्रीम है आपका? जी ये वनीला आइसक्रीम है। अच्छा, ये वनीला हैंडमेड? हैंडमेड वनीला आइसक्रीम। और भी कुछ फ्लेवर वगैरह? हाँ, मैंगो, मैंगो देखो, मैंगो भी है। ये जो है भाई, ये अभी जो है मैंगो फ्लेवर जो है ये अभी प्रोसेस में बनने के और थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। जी जी। अच्छा भाई, ये मेरे सामने जो जिसे मैं आप दिखा रहा हूँ वो है गेट नंबर 1 जामा मस्जिद का, और उसी के जस्ट सामने है ये कल्लन स्वीट्स। काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ की और स्वीट्स की बहुत अच्छी शॉप मानी जाती है यहाँ पर। चलिए भाई, देखते हैं यहाँ पर जो है इफ्तारी के लिए क्या क्या है और थोड़ा सी जानकारी लेते हैं क्या क्या पकौड़ियाँ और क्या क्या हैं यहाँ पर। मेरे पास टाइम सर कीमे का समोसा मिलेगा, आलू का समोसा मिलेगा जिसमें आलू मटर पनीर होता है, बाकी पनीर के पकौड़े होंगे, पनीर की जलेबी होगी, मैदे की जलेबी होगी। अच्छा। और इसकी खासियत ये है, सब चीज़ें देसी घी में बनी हुई हैं और यहीं आपके सामने बन रही हैं। ये तमाम देसी घी है जी। ये पनीर का पकौड़ा जो है ये 50 रुपए का 100 ग्राम है। अच्छा। जो आपका कीमे वाला समोसा है देसी घी में बना हुआ, मात्र 25 रुपए का है। और आलू मटर पनीर का जो है वो भी देसी घी में बना हुआ है, वो 20 रुपए का है। और जो भी है आपके सामने ही बन रहा है, सामने ही फ्राई हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे से कुछ फ्राई करके आ रहा है। ये देखिए इधर कच्चा है। अच्छा। और उसको फिर ये फुल फ्राई इधर कर रहा है। ये गुजिया जो है इसमें कीमा है भरा हुआ है। अच्छा, की गुजिया है जी। और ये पनीर का पकौड़ा? कीमे वाले लाओ, कीमे वाले। अब यार ये निकले हुए तो है कीमे वाले भाऊ, पीछे निकले हुए देखने पर आ रहे हैं। ये कीमे के? कीमे के समोसे हैं। अच्छा, वो वाली भी कीमे की है? जी, वो अभी हाफ डन हो रहा है, ये फुल फ्राई हो रहा है। अनु भाई लाओ बाबा थैली दो भाई कीमे के। चलो बाबा बाहर पीछे पनीर निकला हुआ है। आलू मटर पनीर का समोसा है? आलू मटर पनीर का है। आलू मटर पनीर का समोसा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? सबसे स्पेशल जो है वो पनीर की जलेबी, कीमे का समोसा। अच्छा, पनीर की जलेबी कौन सी वाली है, कहाँ पे है वो? वो आपको उधर सबसे कोने में। अच्छा भाई, ये जो है ये पनीर की जलेबी है जो यहाँ का फेमस आइटम है और काफ़ी जो है फेमस है और काफ़ी जो है ये रनिंग आइटम है इनका। ये है इनकी पनीर की जलेबी, पनीर की जलेबी है भाई, ये बहुत ही काफ़ी फेमस। उसके बाद ये इनका समोसा है और ये जो है इनका मटर पनीर का समोसा है, आलू का समोसा है, ये भी काफ़ी बड़ा है भाई। ठीक है, काफ़ी बड़ा समोसा है इनका। अच्छा भाई, ये जो है ये देसी घी की जलेबी है, ये इनकी काफ़ी फेमस जलेबी है, देसी घी की जलेबी है। और ये है इनका पनीर का पकौड़ा। ठीक है भाई, पनीर का पकौड़ा है। ठीक है, और ये है कीमे का समोसा। ये सब जो है बहुत ही ज़बरदस्त आइटम्स हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है काफ़ी रश है भाई। और देखिए देखिए भाई जो है हमारे, देखिए वी फॉर विक्ट्री दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जयपुर से आप आए हैं? अच्छा 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 अच्छा, तो ख़ास तौर से यहीं पे आए हैं, क्या वजह है कि आने की? नहीं नहीं, थोड़ा सा एक पुरानी कल्चर है, उसी कल्चर से वाबस्ता होने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो है मेरे भाई, क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन भाई है, जो कि जयपुर से आए हैं और वो ये हमको बता रहे हैं कि वो जो है यहाँ की कल्चर से वाबस्ता होने के लिए आए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये क्या है भाई, क्या बना रहे हैं? ये दही बड़े हैं क्या? दही बड़े, दही बड़े बेसन के दही बड़े। अच्छा, ये रमजानों का तोहफा है। अच्छा हाँ,
जामा मस्जिद एक नंबर गेट का तोहफा, दीना बाजार वाले शाही गेट वाले दही बड़ा। भाई ये दही बड़े हैं और ये गेट नंबर वन के जस्ट सामने मिलते हैं, ठीक है, और इनका काफी फेमस है ये बता रहे हैं। ये रमजान मुबारक में अख्तार के आगे रखे जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अख्तार होता है इससे। भाई ये रोजे में ही करते हैं, रमजान में ही, या बाद में भी चलता रहता है? 12 महीने लगता है। अच्छा जी, ये इनका 12 महीने का काम है। ये चचा हैं जो हमारे जो है चना बेच रहे हैं, ठीक है, और इनका चना जो है वो काफी फेमस है। मेरा पानी भी है ना। अच्छा, ये इनका पानी भी है। कितने साल से कर रहे हैं चचा ये काम? 35 साल हो गए। अच्छा, चचा बता रहे हैं कि चचा को 35 साल हो गए। 35 साल से चने ही बेच रहे हैं, कुछ और भी बेच रहे हैं? चना ही बेच रहे हैं 35 साल से चचा। तो फ्रेंड्स, हमारा इफ्तार का वक्त हो गया है और हम प्लाजा ट्रेडर्स पे ही, जहाँ से हमने खजूरों की शुरुआत की थी, वहाँ पे हम इफ्तार शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत लाजवाब है, शुरुआत करते हैं सर। ये बहुत ही क्या बात है सर, फ्रूट चाट है, उसके बाद जो है हमने कल्लन स्वीट्स से यहाँ से ये समोसा लिया था, और ये सलीम भाई ने हमारे लिए जो है चिकन फ्राई का इंतज़ाम करा दिया, और साथ में पकौड़ियाँ भी हैं। देखिए, इनकी मोहब्बत है और इनकी मोहब्बत को हम सलाम करते हैं, ठीक है, दुआ में याद रखिए। जी जी, और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।